असलम नाजरीन अली उर्दू इस चैनल पर आपको खुश आमदी खौफ रात के तकरीबन एक बजे का वक्त था सर्दियाँ अपने अरूज पर थी मैं नूरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी किसी बशर का शुभ तक नहीं होता था दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हो का आलम तारी कर रखा था मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था एक मिनट मैंने अपना तारफ़ तो करवाया ही नहीं मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ मेरी उम्र कोई तैंतीस साल होगी शादीशुदा हूँ और दो बच्चों का बाप हूँ नूरपुर के स्कूल में, में मेरा अभी अभी तबादला हुआ था इस सिलसिले में नूरपुर पहुँचा था स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर तांगे सफेद मिलेगा फिर वही मुझे स्कूल से मुलका सरकारी रिहाइश गाह में ले जाएगा मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था क्योंकि नूर पर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी दूसरी बस ने मुझे एक बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नजर आता था मैं परेशानी के आलम में यहाँ तक था हम, पहुंच गया दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था सर्दी से मेरी टांगे कप कपाना शुरू हो गई थी ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठिकाने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था मैंने बैग में रखी हुई टार्च निकाली और इसे बटन दबाकर ऑन किया इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो मेरा दिल इस तरब के मारे पुलबुलियाँ मारने लगा मैंने टार्च का रुख आवाज़ की सिमत किया मगर धुंध की वजह से वो रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी मगर हौला नज़र नहीं आ रहा था काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सम्मत बढ़ा शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो मैं बैग को साइड पर रख कर चल पड़ा थोड़ी दूर चला मगर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात आवाज थी जो मुसलसल आए जा रही थी मैं हैरान था कि शायद कोई वापस मुड़ गया है तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के तो में मैं दौड़ने शुरू कर दिया दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल भी गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं अब किस चक्कर में लग गया हूं दैश में आकर मैंने हवा में मुक्का मारा और पलट कर चल पड़ा अभी मैं दो तीन कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया सख्त सर्दी में, में मेरा बदन कप कपा रहा था मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की मानंद था पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी मेरे सामने मेरे सामने एक बूढ़ा जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसा कपड़ा लपेट रखा था कप कपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था बूढ़े को यो सर्दी में थरा देख कर मेरे सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और मैंने हैरत से पूछा बाबा जी आप कहाँ थे आपकी आवाज़ की आपकी लाठी की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे थे मैंने आपको बहुत ढूंढा मगर आप नजर ही नहीं आए बे बेटा मैं चलते चलते थक गया था जरा देर के लिए सुस्ताने बैठ गया था ओ मेरे खुदाया अचानक मेरे मुंह से निकला आवाज के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था शायद इस बेचानी में मेरी नजर बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी मैंने दिल ही दिल में खुद को बहुत कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़ बोला आपने बाबा जी कहा जाना है बूढ़े ने सारू उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा तुम इस इलाके में नए लगते हो बेटा बूढ़े की नज़रें और पहचान का कायल हो गया जी बाबा जी मैं अभी भी यहाँ आया हूँ नूरपुर गवर्मेंट स्कूल का नया उस्ताद हूँ शहर से यहाँ तबादला हुआ है मेरा मैंने बूढ़े के सवाल के जवाब में पूरी तफसील उसको बता दी तो तुम बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हो बूढ़े ने ज़रा घसीले लहजे में कहा अभी बस से उतरा हूँ बाबा जी नूरपुर का रास्ता मलूम नहीं इंतज़ार में खड़ा था कोई आए तो रास्ता मलूम करूँ चलो आओ मेरे पीछे बूढ़े ने कहा और वह लाठी टिकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा हैतज़ तौर पर इसके चलने की रफ़्तार अच्छी खासी थी मैं बावजूद कोशिश के भी इसके बराबर नहीं चल पा रहा था आहस्ता आहस्ता ये फ़ासला बढ़ने लगा इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए मैंने लपक कर अपना सामान उठा लिया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे एक कदम के मुकाबले में वो बूढ़ा तीन तीन कदम उठा रहा है बाप बाग भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था यहाँ इसने मुझे आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका मगर वो बूढ़ा आहिस्ता आस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था बूढ़ा हौले की तरह मुझे नजर आ रहा था मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठ कर सस्ताने लगा अचानक थे अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैं डर के मारे खड़ा हो गया और एकदम छलांग मंगा कर उसकी तरफ देखने लगा तो वही बूढ़ा खड़ा था और मुझे देख रहा था बाबा जी आप मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलाओ और मैं दूसरी तरफ इस होले को भी देख रहा था जो भी तक मुझे नजर आ रहा था मुझे बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही थी मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे क्या तुम्हें प्यास लग रही है यह पी लो इसने एक बोतल मुझे थमा दी मेरा गला तो पहले ही खुश्क हो रहा था मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर घटा घट गट पीने लगा पानी का पानी का ज़ायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा मैंने बोतल मुंह से हटाकर टार्च की रोशनी में देखा तो फौरी कह आ गई बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था मैंने खांसते हुए जोर लगा कर कह की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से, से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देख कर कहके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून उलता होता जा रहा था पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औस्त खता हो गए उसके मुँह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून खून रस रहा था ऊपर नीचे के दोनों ओं गायब थे नाक की जगह बस गड़ा था ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाल निकाले जा रही थी और इसके अलीज़ चेहरे को और भयानक बना रही थी मैंने जल्दी से बैग वहीं पर छोड़ा और टार्च हाथ में लिए चलाता और जिस सम मेरा मुंह आया उस तरफ भाग पड़ा बस इतना पता था कि यहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटी पटी है कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी पता नहीं कितना भागा जब टांग जब टांगों में भागने की सक्कत खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी घड़े नमा चीज में जा गिरा और सांस रोक कर बेसा हो गया जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर हो जाता है जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नजर नहीं आई थी मैं घड़े में दबा हुआ पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी तो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी सर से पाँव तक जिसम के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे जी करता था कि ज़ोर ज़ोर से चलाऊँ सारी दुनिया को अपनी तरफ अपनी मदद के लिए बुलाऊँ जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है मगर जिंदगी भी, ज़िंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप थाल लेती है और फिर ये सब अपनी मर्जी का अख्ताम करती है मैंने हाथ में पकड़ी हुई टार्च लाइट ऑन करके खड़े यहाँ पर मैं गिरा हुआ था डाली तो नया धचका मैं यहाँ गिरा पड़ा था वो गड़ा नहीं वो एक टूटी हुई कब्र थी मतलब मैं भागता भागता किसी कब्रिस्तान में आ गया था कब्रिस्तान का सोच कर खौफ की एक और लहर पूरे वजूद में फैल गई लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी यकय याक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली हाथ का लम्बस महसूस करके मैं समझ गया कि ये वो ही शतानी बला का हाथ है खौफ के मारे मेरी चीखें भी ना निकल सकी हाथ में बला की ताकत थी इसने मुझे तिनकी की तरह घड़े से निकाल कर जमीन पर पट डाला मैंने रोते हुए कहा तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे मत मारो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे छोटे छुड़ छोटे बच्चे हैं इसने एक लंबा जोरदार कहका लगाया और बोला मुझे प्यास लगी है तेरा खून पीना है मुझे भूख लगी है तेरा गोश्त खाना है शहरी गोश्त खाना है रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शतान अपने शिकार पर निकलते हैं आज मेरा शिकार तू है तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया वो मुझसे काफी दूर खड़ा था मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच गया इसके सख्त खुरदरे नाखन मेरी गर्दन में चुभ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आजाद करवाई और वे एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था भागते भागते मेरी नज़र कब्रस्तान में उगे दरख्तों पर पड़ी वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मनिन टहनीों पर बैठे मुझे घूर रहे थे उनकी उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आँखें बला का तलेसम था उनमें जो मेरी ताकत को शल कर रही थी इसी दौरान मेरा वजूद किसी से टकरा गया और पूरा कब्रस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा मैं गूंज कर गिर कर उठ खड़ा हुआ सामने जो देखा तो एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नौजवान नौरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे मैं जल्दी से भाग कर उनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा मुझे बचा लो मुझे बचा लो वो शैतान वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी हुई है इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी टेकते हुए आ रही थी बुजुर्ग ने मुझको कहा बोलो ज़ोर से बोलो हक हो अल्लाह हर दर्द की दुआ अल्लाह मुश्किल कुशा अल्लाह जैसे इसके मुंह से हु की आवाज़ निकली दरख्तों पर बैठे हुए बच्चे नुआ परिंदे फड़फड़ने फर लगे और पूरे कब्रस्तान की फ़जा उन से भर गई उनके परों से जो निकलने वाली आवाज़ थी वो अजीबो करीब और खौफनाक थी वो चीख रहे थे वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा बोलो अबे उस्ताद बोलो तुम अल्लाहू मैंने जोर जोर से दीवानवार पढ़ना शुरू कर दिया आखू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू मुश्किल कुशा अल्लाहू बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामे जमीन पर गिर गया फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके वहां से उड़ गया मेरे हवास थोड़े दुरुस्त हुए तो दिल की बेचार धड़कनों पर सुकून होने लगा मैं इस बुज़ुर्ग को देखे जा रहा था जिनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था मैंने अगबर आगे बढ़ के, के हाथ चूमना चाहा मगर वो तो हवा के मने खड़े मुस्कुरा रहे थे फिर वो मुझसे मुखातब हुए बेटा इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्ज़ा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पुसकून रखो फिर हवा के झोंके की मने वो बुजुर्ग भी हवा में तहलील हो गए मैं उन्हें जाता देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फजर की अज़ान की आवाज़ थोड़े फ़ासले से आ रही थी मैं आवाज़ की समत चल पड़ा थोड़ी देर में मैं एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मलूम करके इससे अपने लिए अलाट करवा हुआ घर खुलवाया मेरी हालत देख कर वो परेशान हो गया इसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है मुझे नहीं पता कहाँ गिरा है बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ इसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज़ ला कर दी नहा धोकर मैंने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ी सुबह नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया वहीं चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया वहां से सुधा स्कूल में गया यहां पर मेरी क्लास के बच्चे अपने नए इसताज से मिलने को बेताब थे इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा सर आज पहला सबक कहाँ से शुरू करें तो मैंने कहा सबक वहीं से शुरू करेंगे जो आज मुझे मिला है हक हो अल्लाह हर दर्द की दुआ हो मुश्किल कुशा अल्लाह थोड़ी देर के बाद क्लास के सब बच्चे दीवानावार यही वर्द दोहरा रहे थे नाजरीन इस तरह की सच्ची कहानियाँ वाक़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हार नहीं आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में अल्लाह हाफिज़